दोस्तों ये हमारे पास Vivo Y33s। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वाईफाई जो कनेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस आप वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइस जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फन टच ओएस न्यू वर्जन फाउंडेड 13.1.12.2, यानी कि इस अपडेट की साइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो 232 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और गाइस इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ न्यू चेंजेस किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। एक्चुअली हुआ यू कि स्टूडियो की लाइट जो चली गई थी इसलिए ऐसा हुआ, बट एनीवेज। तो गाइस ऐसे इसको आपको डाउनलोड कर लेना है तो मैं यहाँ से कंटिन्यू डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो 96% मैंने डाउनलोड करके रखा था। जैसे ये डाउनलोड प्रोसेस ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली वेरीफाइंग अपग्रेड लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग आ जाती है। तो गाइस फिलहाल हमारा फ़ोन जो है वो अपडेट की प्रोसेस में चला गया है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक ये स्टार्ट ना हो जाए। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग आ चुकी है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड, बैक स्क्रीन, यानी कि ये ब्लैक स्क्रीन ही रहेगा जब तक ये स्टार्ट ना हो जाए। और जल्दबाजी में आके कोई भी चीज़ जो आपको प्रेस नहीं कर लेनी है। तो गाइज वो प्रोसेस थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग आ चुकी है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग द एप्स 83 एप्स इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होती है और ये प्रोसेस जो बहुत ही फास्टली होती है। और गाइस ये सारी प्रोसेस ख़त्म होने में तकरीबन 10 या 15 मिनट जितना टाइम लग सकता है, तो आपको शांति से जो वेट करना है। और गाइस फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हो अभी जो रिसेंटली हमने इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे आपको जाना होगा सेटिंग्स में सिस्टम अपडेट पे। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, यानी कि कुछ इस तरीके से आप अपना फ़ोन जो अपडेट कर सकते हो। तो एपी गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतने। दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।